नगर के कोसमी क्षेत्र में संचालित इंग्लिश मीडियम शैक्षणिक संस्थान रोज वैली इंग्लिश स्कूल का वार्षिकोत्सव 2 जनवरी को संपन्न हुआ। आयोजित किया गया वार्षिकोत्सव कार्यक्रम नगर के नूतन कला निकेतन के सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें अतिथि के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे, जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष राजा सोनी, कोसमी सरपंच गगन नकपुरे, जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। नूतन कला निकेतन के सभागार में आयोजित किए गए वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का विद्यालय प्रबंधन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसके पश्चात विद्यालय की प्राचार्य तहसीन अंजुम के द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन अतिथियों और अभिभावकों के सामने प्रस्तुत किया गया। आयोजित किए गए वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ देवी वंदना से किया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा नव दुर्गा की वेशभूषा धारण कर नौ स्वरूपों का दर्शांकन किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों ने खूब सराहा। जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नौनिहालों ने भी अपने नृत्य से सभी का मन मोहा और उपस्थित जनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से नौनिहालों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय परिवार और प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि आज नौनिहालों के कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें काफी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को कहा कि बच्चों को खुद ही अपने सपनों को पूरा करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज प्राइवेट स्कूल का संचालन करना अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती है। उन्होंने संस्था के संचालक को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोगों को जो भी दिक्कतें आती है उसके लिए मुझे बताइए। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे ने बच्चों की प्रतिभाओं को देखते हुए स्कूल प्रबंधन को विधायक निधि से 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया। मैं उन सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चों से वो काम पूरे करवाना चाहता है जो वो खुद देखते हैं। परिस्थितियों में मैं जानती हूं कि प्राइवेट संस्था तो कोई भी काम करना, खासकर प्राइवेट स्कूल चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और इन सब कार्यक्रमों में आने के लिए मैं हमेशा उत्सुक इसलिए होती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि तकलीफें कैसी होती है और वो तकलीफों को कैसे उसको दूर करना है ये रास्ता ढूंढने का प्रयास करती हूँ। मैं हमारे संस्था के संचालक नफीस भाई से कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो दिक्कतें आती है, अभी तो सरकार बदली है लेकिन व्यवस्थाओं को बदलने में थोड़ा समय लगेगा। हम चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था बदले, कि आप लोगों को जो दिक्कतें होती है वो ना हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूँगी कि आप लोगों को अपने स्कूल के संचालन में कोई भी दिक्कत आए तो आप सीधे मुझे बताइए। मुझे खुशी होगी कि आप लोगों की परेशानियों को मैं कम करूं। जबकि कार्यक्रम के अंत में स्कूली विद्यार्थियों को अतिथियों के हस्ते पुरस्कृत भी किया गया।
समर्थ पुनी गोस्वामी सांझ दशहरे और समर्थ पुरी गोस्वामी के जी